औद्योगिक समूहों ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी स्कूल बनाकर शिक्षा को नया आयाम देने में अपनी भूमिका निभाई है, तो कभी सामुदायिक अस्पताल बनाकर जिंदगी को सींचने का काम किया है। लेकिन यह कहानी इन सब से थोड़ी अलग है। यह कहानी एक औद्योगिक समूह की उस छोटी सी पहल की है जिसने सुदूर इलाकों में रह रही महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। प्रकृति ने दर्द का जो तोहफा महिलाओं को दे रखा है, ये पहल उसमें सुकून का मरहम लगा रही है। महीने के उन दिनों के करीब आते ही चेहरे पर एक अनचाही घबराहट दस्तक दे जाती है। असहनीय दर्द को छिपाने का साहस तो प्रकृति ने दे रखा था, लेकिन अनहाइजेनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल ग्रामीणों के जीवन में संकट बनकर हमेशा से ही रहा। न जाने अब तक कितनी ही महिलाएं गंभीर संक्रमण का शिकार हुईं। सुविधाओं से कोसों दूर सुदूर इलाकों की महिलाओं के उन दिनों की स्थिति का जिक्र रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर लेकर आता है। गंभीर बीमारियों ने जहां कई महिलाओं को अपनी गिरफ्त में लिया, वहीं जिंदगी का कड़वा अनुभव भी उनके हिस्से रहा। लेकिन हालात जल्द बदलने लगे। एक छोटी सी कोशिश बीहड़ों तक पहुंचती है। अब यहां रहने वाली महिलाएं दर्द छिपाने में नहीं बल्कि खुलकर जीने में भरोसा करना सीख चुकी हैं। आखिर कैसे एक औद्योगिक इकाई समाज में बड़े बदलाव ला सकती है, इसकी मिसाल बना है अडानी फाउंडेशन। सुदूर आदिवासी अंचलों में रहने वाली महिलाओं के उन दिनों की तकलीफों को कम करने फाउंडेशन ने उल्लेखनीय काम किए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कई गांव में अडानी फाउंडेशन के सहयोग से महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति की महिलाओं द्वारा ग्रामीणों को पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रही हैं। फाउंडेशन के सहयोग से सरगुजा क्षेत्र में करीब 100 पैड बैंक खोले गए हैं, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि सरगुजा से लगे करीब 100 गांवों की महिलाएं और युवतियां मुस्कान पैड का ही इस्तेमाल कर रही हैं। महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति से मुस्कान सैनिटरी पैड का उपयोग हो रहा है। जो गांव में पहले कपड़ा यूज करते थे तो बहुत सारा बीमारी होता था, लेकिन अब कपड़ा नहीं करते हैं। मुस्कान सैनिटरी पैड उपयोग करके हमें अच्छा लगता है। अदानी फाउंडेशन के सहयोग से महिला उद्यमी बहुउद्देश्य की समिति तैयार की गई है। इस समिति में गांव की महिलाएं सम्मिलित होकर सैनिटरी पैड बना रही हैं और उसका उपयोग भी कर रही हैं, और दूसरे 80 गांव में उनको बना बना के बेच भी रही हैं और उसका प्रचार भी कर रही हैं कि इससे क्या क्या परेशानी, अगर उपयोग नहीं करेंगे तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। बहरहाल यह एक संवेदनशील पहल है जिसने महिलाओं के दर्द को थोड़ी राहत दी है। दरअसल यही दर्द जीवन के सृजन का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इस दर्द की अपनी संवेदनशीलता है जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।